ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। अपने स्वभाव में तुम स्थित हो जाओ, ये इच्छा बुरी नहीं है। इच्छा इच्छा में फर्क होता है, अपेक्षा अपेक्षा में फर्क होता है। तुम कहो कि तुम्हें बोझमुक्त जीना है, हल्का जीना है, आनंदित जीना है, ये इच्छा बुरी नहीं है। वास्तव में अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए भी मुमुक्षा तो चाहिए ही चाहिए। और मोक्षा माने क्या? मोक्ष की इच्छा। बिना इच्छा के तो काम चलेगा ही नहीं। सवाल यह है कि तुम्हारी इच्छा क्या है। कद्दू की इच्छा और सत्य की इच्छा में फर्क होता है ना। कि नहीं होता? क्या चाह रहे हो? जो चाहने लायक है उसको चाहो, उसको चाहो ना, जो तुम्हारी बेचैनी मिटा दे, जिसको चाहने के बाद बार बार चाहते ही रहने की जरूरत ना पड़े। कितने साल की हो? अब उम्र बताने में लाज आती है, चलो मैं कम करे देता हूं, 30 की है। 30 की है कि 3 की है? पति बताएंगे और दिव्या बताएगी कि तुम्हें कहां रहना है कहां नहीं रहना है। तुमने पति शब्द को लगता है बहुत गंभीरता से ले लिया। पति का दूसरा अर्थ होता है मालिक। नौकरानी ही बन गई क्या? ये पति माने स्वामी, तो हम कौन हुए फिर? नौकरानी, शंकु। अभी तो त्रिशंकु जैसी हालत है। कि शंकु को एक आदमी उधर खींच रहा है हाथ पकड़ के, एक को इधर रोक रहा है। मैं नहीं जानता कौन सही है कौन गलत। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पतिदेव सही हैं या दिव्या सही है। मैं नहीं जानता तुम्हें जाना चाहिए या रुकना चाहिए। पर एक बात मैं जानता हूं, जो भी करो अपनी मर्जी से करो ना। दबाव में क्यों आ रही हो? तुम्हारा बोध कब जागृत होगा? ये हिमांश है, इस पे प्रेशर लगा के देखो जरा। लगाओ। उसे क्या फर्क पड़ रहा है? उसको बोलो आज हिमांश तू घर नहीं जाएगा, या उसको बोलो कि हिमांश तू अभी उठ के घर चला जा। लगाओ जितना दबाव लगाना है। बात इसकी है कि कोई तुम पर दबाव डाल रहा है, या बात इसकी है कि तुम दबाव में आ जा रहे हो? बोलो, कोई डाल रहा होगा दबाव, तुम दबाव में आ क्यों जा रहे हो? मैं तो सीधे पूछता हूं, उसने बोला तो बोला, तूने सुना क्यों? यहां जितने बैठे हैं जरा दबाव डालो सब पे, देखते हैं कौन दबाव में आ जाता है। तुम दबाव में आ क्यों जाती हो? जरूर कहीं ना कहीं डरी हुई हो, जरूर आश्रित हो, जरूर किसी बात के लिए निर्भर हो। नहीं तो कोई दबाव तुम पर कैसे डाल सकता है? वो अपनी ओर से कोशिश कर सकता है पर सफल नहीं होगा।
शंकु नहीं हो तुम, पूरा नाम याद रखा करो, सुंदर नाम है। संयुक्ता का अर्थ होता है योगिनी, योगिनी समझती हो, आदि योगी ये हैं और तुम हो योगिनी और तुम दबाव में आ गई। शंकु मत बनो, संयुक्ता रहो, फिर दबाव में नहीं आओगी। बात समझ में आ रही है? एक तो ये स्त्रियों को बेबी बेबी बोलकर उनको बच्चा बनाए रखते हैं, वो बेबी ही रह जाती हैं फिर। तुम बेबी नहीं हो तो शंकु। तुम्हें जाना हो चले जाना, रुकना हो रुक जाना, पर अपनी ताकत पे करो जो करना है, अपनी समझदारी से करो। न रुकना बुरा है, न जाना बुरा है, गुलामी बुरी है, दबाव बुरा है। ठीक है, इन पर पत्नी का दबाव है, इन पर पति का दबाव है, तुम शादी करते हो दबाव करते हो। ये पति पत्नी है, दबाव ही देते रहते हैं। अभी खुश हो लो तुम, केंद्र में जो है ना पत्नी नहीं है, कोई डरा जो डर है ना वही सब जगह सर्कुलेट कर रहा है, चाहे पत्नी से डर रहे हैं, चाहे माँ से डर रहे हैं, ये बात समझे? वो डर जैसे हटेगा ना, वो अगर तुम 5-7 जगह डरते हो तो समझ लेना ये सारे डर एक हैं, भले ही वो डर दिखते कितने अलग अलग हो। सकता है एक तुम सांप से डरते हो और एक तुम बॉस से डरते हो, पर वो बात एक ही है। तलाशो कि तुम्हारे डर कहाँ कहाँ है, जहां जहां तुम्हारे डर है वो सब एक डर है, सब एक डर है और वो झूठा है, व्यर्थ। ये बात तुमने आज बढ़िया बोली। किसी चीज का नहीं है, चीजें अलग अलग होती हैं। वो डर सिर्फ डर है, वो मूल ग्रंथि कहलाती है, वो डर हमारी नसों में दौड़ता है, वो डर हम लेके पैदा होते हैं, वो डर अपने लिए चीजें खोज लेता है। चूंकि तुम्हें डरना है तो तुम कोई भी चीज पकड़ लेते हो कि चलो इससे डरते हैं, चलो इससे डरते हैं, चलो इससे डरते हैं। ये सब रूमानी ख्यालात थोड़ी देर के लिए बेहोश कर सकते हैं, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि जैसे तुम्हें तुम्हारे झंझटों से मुक्ति मिल गई, पर ये तुम्हें कोई स्थायी मुक्ति नहीं दे सकते। प्रेम नशे की तरह चढ़ता है, जब छाता है तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत मिल गई,
और फिर नशा उतर भी जाता है। और वास्तविक प्रेम ऐसी चीज नहीं होता जिसको तुम कहो कि मेरे ऊपर चढ़ जाए, वो बहुत सूक्ष्म बात होती है, वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में पकड़ में आएगी। किसी की जिंदगी के बहुत करीब जा करके देखो और वहां गहराई पाओ, इंटेंसिटी पाओ, करुणा पाओ, तो कह देना कि इसने प्रेम का रस चखा है। बात जिंदगी की है, बात जिंदगी में किसी व्यक्ति विशेष के होने इत्यादि की नहीं है। आपको डरना तो पसंद नहीं है, आपको पसंद है कि आप निडर रहे, पर निडरता आपकी पहली वरीयता नहीं है ना। तुमने बहुत सारा सोना ले रखा हो, बहुत सारा सोना तुमने पहन रखा है और अपने पर्स में भर रखा है, और वो सारा सोना लेकर तुम किसी अंधेरे रास्ते पे चल पड़ी हो, अब डर तो तुम्हें लग रहा है, लेकिन देखो कि अभी स्थिति क्या है। तुम्हें निडरता से प्यार है, बेशक सबको पसंद होता है निडर जीना, लेकिन तुम्हें निडरता से भी ज्यादा किससे प्यार है? सोने से। उस सोने को अगर तुम जरा छोड़ दो तो डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो निडरता तो तुम्हें प्यारी है, लेकिन सोना तुम्हें निडरता से ज्यादा प्यारा है, तो तुम उसको तुम पकड़े हुए हो। निडरता तुम्हारी प्रथम वरीयता नहीं बन पा रही। शांति प्यारी है ना, लेकिन ये थॉट्स शांति से ज्यादा प्यारे हैं, तो बस इनको छोड़ते नहीं। शांति प्यारी होती तो तुमने इन थॉट्स को ऊर्जा क्यों दी होती? अब क्यों देते हो? अब कुछ बात बनी। अगर ये भी कह रहे हो कि समय लग रहा है तो ठीक है, धैर्य रखो, जितना समय लग रहा है उसको दो और डटे रहो, हटेगा धीरे धीरे, ठीक है। मैं किसी विधि के खिलाफ नहीं हूं, मैं विधि से चिपक जाने के खिलाफ हूं, और मैं एक विधि को अपना लेने के कारण सैकड़ों अन्य विधियों का प्रयोग न करने के खिलाफ हूं। जीवन में प्रतिपल विधियां चाहिए होती हैं, एक नहीं अनेक। मैं चाहता हूं तुम्हारे पास अनंत विधियां रहें। जब तुम एक विधि पकड़ लेते हो तो उसी पर बैठ जाते हो। मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं, ये एक विधि है। यहां पर प्रकाश है, वो भी एक विधि है। बाहर घास है और घास पर पानी की बूंदें हैं, और एक सुंदर प्राकृतिक माहौल है, वो भी एक विधि है। और जीवन में तुम्हें लगातार नई नई विधियां चाहिए होती हैं, क्योंकि प्रतिपल स्थितियां बदल रही हैं। एक विधि एक स्थिति पर ही लागू होती है, उसके बाद नई स्थिति, तो तुम्हें नई विधि चाहिए। मैं चाहता हूं तुम्हारे पास वो सजगता रहे कि तुम प्रतिपल नई विधि का आविष्कार कर सको। मैं किसी विधि के खिलाफ नहीं हूं। असल में बात थोड़ी विचित्र है। तुम लोग सोचते हो कि ध्यान की विधियां करेंगे तो ध्यान मिल जाएगा। मैं कहता हूं तुम्हारा ध्यान ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें नई नई ध्यान की विधियां मिलती रहें। तो अब सवाल करोगे कि पहले क्या आता है, ध्यान की विधि या ध्यान?
मैं उत्तर दूंगा, पहले ध्यान आता है। अगर ध्यान न हो तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सी ध्यान की विधि उचित है तुम्हारे लिए? तो सर्वप्रथम आवश्यक है कि तुम ध्यान को चुनो, फिर अपने आप जान जाओगे कि कौन सी विधि लगानी है। और विधि तुम लगाते रह गए और ध्यान को तुमने चुना नहीं, तो विधि तो बेअसर जाएगी ही ना। ध्यान से प्यार होना चाहिए, इसी को मैं कह रहा हूं, ध्यान को चुनो। जब ध्यान से प्यार है तो तुम लगातार नए नए तरीके ढूंढ लोगे कि इस मौके पर भी मैं ध्यानस्थ कैसे रह जाऊं, अभी ये हालत है, इस हालत में भी मैं शांत कैसे रह जाऊं। ये नए तरीके कौन ढूंढ लेता है? वो जो ध्यान से प्यार करता है। ध्यान को चुनो, फिर विधियां अपने आप खुलती जाएंगी।